डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वही अमेरिका में। अरे अब तो घर का जा रहा हूँ, मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा। मुझे कुछ बनना था, बनना था किसी की तरह, कमर के नीचे से पैरालाइज हो गए हैं, पर मैं कितना गलत था, भाग रहा था मैं खुद से। किसी ने कभी आपको सरनी चाटा मारा है? लाट, उस चांटे को इश्क कहते हैं। मुझे पता तू वहां खड़ी है, फोन सर मेरे से नहीं होना, मेरे पैर नहीं उठने सर। मदद कर दो, मेरे पैरों पे खड़ा होना चाहिए। Fail again and then try again. Fail again and then try again. देखिए ये सातवां राउंड समाप्त कर दिया है। 25 किलोमीटर की ये दौड़ एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह पूरी कर ली। इसी के लिए पैदा हुआ था मैं। इसी के लिए मरूंगा। लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, दिल से जी तो बहुत। सो गो ऑन, ब्रेक द रूल्स, फॉरगिव क्विकली, लव ट्रूली एंड नेवर रिग्रेट एनीथिंग दैट मेड यू स्माइल। कैसा रहा फिल्म लाल सिंह चड्ढा के अनाउंसमेंट से दर्शकों का रिएक्शन, और आखिर आमिर खान अब इस फिल्म के शूट के लिए कहां के लिए निकल चुके हैं, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूं इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे में। आमिर खान को सिल्वर स्क्रीन पर देखे हुए हमें काफी वक्त हो चुका है। अब पूरे 3 साल बाद आमिर खान स्क्रीन पर आने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। जी हाँ, जहाँ फैंस बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, जहाँ बहुत ज्यादा बेसब्र हो रहे थे, वहीं उन फैंस के इंतजार और बेसब्री को खत्म करती है आमिर खान की अनाउंसमेंट फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर। जी हाँ, साल 2019 में आमिर खान ने अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का अनाउंसमेंट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए सभी फैंस के साथ किया। अब दोस्तों, एक तरफ ये खुलासा हुआ और दूसरी तरफ सभी फैंस खुशी से पागल हो गए। अब इस बात के पीछे भी बड़ी सारी वजह है। पहली वजह और सबसे बड़ी वजह यह होती है कि आमिर खान को हम लोग पूरे 3 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर देखने वाले हैं, तो दोस्तों कैसे कोई इंतजार और कैसे कोई बेसब्र ना हो। अब बात करी जाए दर्शकों में उस एक्साइटमेंट की, तो दोस्तों उसकी दूसरी वजह यह है कि इस फिल्म में आमिर का किरदार बड़ा ही अलग है, बड़ा ही अनोखा है। जी हाँ, फिल्म में आमिर खान के इस किरदार को देखने के लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिल्म में हमें आमिर खान पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम पगड़ी में, लंबी दाढ़ी में और एक सिख के किरदार में नजर आने वाले हैं। आज से पहले हम में से किसी ने भी आमिर खान को उस किरदार में नहीं देखा है। आप सभी को बता दूं कि आमिर खान ने इस फिल्म में अपने लुक पर बहुत काम किया है। उन्होंने जहां एक तरफ अपनी डाइट मेंटेन की है, वहीं दूसरी तरफ 20 किलो वजन घटाया है। फिल्म के लिए बेसब्र हो रहे फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर तो ये थी कि फिल्म में वो दोबारा से आमिर खान और करीना कपूर की जोड़ी को देखने वाले हैं। जी हाँ, जहां लोग उनकी जोड़ी को फिल्म 3 इडियट्स में बहुत ज्यादा पसंद कर चुके थे, अब वो दोबारा इन दोनों को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। आप सभी को बता दूं कि करीना कपूर फिल्म का शूट पिछले साल ही खत्म कर चुकी हैं। जी हाँ, उन्होंने अपनी मैटरनिटी लीव लेने से पहले फिल्म का पूरा शूट वाइंड अप कर लिया था। वहीं आमिर खान अभी भी कुछ जगहों पर जाकर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि हाल ही में आमिर खान कारगिल और लद्दाख गए हैं। वहां पर जाकर वो बहुत सी रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सी अलग अलग जगहें एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि उन्हें अपने फिल्म के लिए एक सूटेबल लोकेशन मिल जाए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आमिर खान का मानना है कि वो लद्दाख की ऑथेंटिसिटी से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हैं। उन्हें लद्दाख को देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो चाहते हैं कि फिल्म का कोई सीक्वेंस वहां भी शूट किया जाए। अब दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि आमिर खान की ये मेहनत, क्या फिल्म के मेकर्स की ये मेहनत इस फिल्म को सक्सेसफुल बना पाएगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।